नमस्ते सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हदीका अली और मेरे साथ है तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जा रहे हैं, खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दूसरों के साथ शेयर करना ना भूलें। और एक काम तो जरूर करना है, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। आज की हमारी वीडियो है दिल्ली मीरठ RRTS। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है 2022 कंस्ट्रक्शन अपडेट्स दिल्ली मीरठ RRTS इंडियन रेलवेज। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की ये वीडियो हम लोग बना रहे हैं दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी दिल्ली मेरठ RRTS के अपडेट्स के बारे में। आपको दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी RRTS प्रोजेक्ट के बारे में काफी कुछ बताऊंगा। ये एक सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है जो की इस वक्त भारत में बन रहा है। साथ ही कंस्ट्रक्शन अपडेट्स के बारे में भी बात करेंगे की कितना काम इस प्रोजेक्ट में कम्प्लीट हो गया है और कब तक आपको ये प्रोजेक्ट पूरा होता हुआ दिख सकता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करेंगे प्रोजेक्ट की कुछ डिटेल्स से। इस प्रोजेक्ट के बारे में मैंने कभी भी चैनल में डिटेल में बात नहीं की है, इसलिए प्रोजेक्ट है क्या, कब इसका आइडिया आया था और क्यों इसे बनाया जा रहा है, इसके बारे में पहले आपको बता देता हूं। तो दिल्ली मेरठ RRTS एक 82.15 किलोमीटर लंबा सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है जो कि इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है और ये दिल्ली को मेरठ से कनेक्ट करेगा गाजियाबाद होते हुए। इस प्रोजेक्ट के ओनर है नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन और इन्होंने इस रीजन में 3 रैपिड रेल कॉरिडोर्स प्लान किए हैं अंडर फेज 1, जिसमें से दिल्ली मेरठ वाला पहला कॉरिडोर है। अब क्योंकि ये सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है तो ट्रेन की स्पीड इस कॉरिडोर में 180 किलोमीटर प्रति घंटा तक रखी जा सकती है और इसीलिए दिल्ली मेरठ के बीच के डिस्टेंस को ये ट्रेन 1 घंटे से भी कम समय में पूरा कर लेगी। जैसा मैंने बताया कि ये पहला कॉरिडोर लगभग 82 किलोमीटर लंबा होगा, तो इसमें टोटल 22 स्टेशन बनेंगे, साथ ही 2 डिपो भी और लगभग 30,274 करोड़ की लागत बताई जा रही है प्रोजेक्ट को पूरा बनाने में। साल 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने इस प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन रखा था और अभी काफी स्पीड में प्रोजेक्ट में काम हो रहा है, जिसके बारे में वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले एक चीज के बारे में बता देता हूं, जो कि है प्रायोरिटी कॉरिडोर। ये पूरा रूट 82 किलोमीटर लंबा है, लेकिन इसमें 17 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर को प्रायोरिटी कॉरिडोर कंसिडर किया गया है। इसका मतलब है कि पूरे प्रोजेक्ट के शुरू होने से पहले इसको बनाकर तैयार कर लिया जाएगा और ये पहले ही ऑपरेशनल भी हो जाएगा। साहिबाबाद और दुहाई ये 2 जगह हैं जिनके बीच में ये कॉरिडोर 17 किलोमीटर का पड़ेगा और ये अगले साल से ही शुरू होने वाला है, यानी 2023 में ये 17 किलोमीटर वाला प्रायोरिटी सेक्शन ऑपरेशनल हो जाएगा। वैसे चांसेस ये भी हैं कि ये कॉरिडोर इसी साल ऑपरेशनल हो जाए, क्योंकि पिछले महीने काफी काम इसमें हो गया है। अभी थोड़ी देर में मैं आपको इसके बारे में अपडेट्स दूंगा, तब आपको इसके बारे में सब कुछ बताऊंगा। और बाकी का पूरा सेक्शन यानी टोटल 82 किलोमीटर वाला सेक्शन 2025 तक धीरे धीरे ऑपरेशनल होगा। ट्रेन की फ्रीक्वेंसी भी अच्छी खासी रखी जाएगी सेक्शन में, जहां हर 5 से 10 मिनट में एक ट्रेन स्टेशन पर पहुंच जाएगी। पूरे सेक्शन में 68 किलोमीटर का सेक्शन एलिवेटेड होगा, साथ ही लगभग 14 किलोमीटर का सेक्शन अंडरग्राउंड बनाया जाएगा। और प्लानिंग जनरली इस तरह से की गई है कि जैसे जो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है दिल्ली में हो या फिर यूपी के वो एरिया जिनको प्रोजेक्ट में इंक्लूड किया गया है, तो कोशिश की गई है कि वहां पर प्रोजेक्ट को अंडरग्राउंड बनाया जाए। आपको अगर रूट का थोड़ा सा आइडिया देने की कोशिश करूं तो सराय कालेखा ये एक जगह है दिल्ली में, यहाँ से ये कॉरिडोर शुरू होगा और फिर दिल्ली के कुछ एरिया आनंद विहार, साहिबाबाद, गाजियाबाद से होते हुए मेरठ में मोदीपुरम स्टेशन पर जाकर के खत्म होगा। और जहाँ तक ये कॉरिडोर दिल्ली के अंदर रहेगा ना, वहाँ तक आपको इसके स्टेशन पे मेट्रो ट्रेन की भी सुविधा मिलेगी। कैसे? तो इस कॉरिडोर का पहला स्टेशन है सराय कालेखा, जहाँ इंडियन रेलवे का स्टेशन है, बस टर्मिनल भी है, साथ ही पिंक लाइन का मेट्रो स्टेशन भी है। इसके बाद न्यू अशोकनगर जहाँ ब्लू लाइन मेट्रो स्टेशन है, आनंद विहार ब्लू लाइन मेट्रो स्टेशन, साथ ही रेलवे स्टेशन और बस टर्मिनल भी है, और साहिबाबाद में भी आपको ब्लू लाइन मेट्रो स्टेशन मिलेगा। यानी इधर वाला पूरा कॉरिडोर पूरी तरह से इंडियन रेलवे या फिर दिल्ली मेट्रो या फिर बस टर्मिनल से एटलीस्ट कनेक्टेड है। मैं आपके लिए इसकी एक पिक्चर भी डाल दूंगा स्क्रीन पे, ताकि आप इसको प्रॉपरली समझ पाओ। अब क्योंकि ये प्रोजेक्ट काफी सही स्पीड से चल रहा है, साथ ही एक प्रायोरिटी कॉरिडोर भी है जो कि मोस्ट प्रोबेबली अगले साल में ही ओपन हो जाएगा, तो पूरे चांसेस है कि ये इंडियन
इंडिया में इंप्लीमेंट होने वाला पहला RRTS कॉरिडोर बन जाएगा। ऐसे काफी सारे सेमी हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर आपको आने वाले समय में भारत में देखने को मिलने वाले हैं। और जैसे आज काफी जगह मेट्रो ट्रेन इंडिया में चल रही है, ऐसे ही सेमी हाई स्पीड ट्रेन भी इंडिया में दौड़ने लगेंगी, क्योंकि ऑब्वियसली हाई स्पीड ट्रेन के मुकाबले इनको बनाना ज्यादा आसान होता है। मतलब कंस्ट्रक्शन का तो काम कम होता ही है, लेकिन हाई स्पीड रेलवे के मुकाबले इनको बनाने में कम ही जगहों से क्लियरेंस लेना पड़ता है। साथ ही कॉरिडोर हम छोटे भी बना सकते हैं 100 से 150 किलोमीटर के, लेकिन हाई स्पीड कॉरिडोर जनरली बड़े ही बनते हैं। इस वजह से कई स्टेट्स आपको फ्यूचर में इनको इम्प्लीमेंट करते हुए दिखेंगे। साथ ही एक और चीज देखो, जो अगर आपने ध्यान दिया हो तो जितने भी स्टेशन हम इस कॉरिडोर में बना रहे हैं, लगभग हर स्टेशन या तो दूसरे मेट्रो स्टेशन से कनेक्टेड है, या फिर रेलवे स्टेशन से कनेक्टेड है, या फिर एटलीस्ट एक बस टर्मिनल से कनेक्टेड है। यानी एक सीमलेस इंटीग्रेशन है अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के बीच में। और अच्छी फैसिलिटीज तो ऐसे कॉरिडोर प्रोवाइड करेंगे ही, यानी कि ये लोगों को भी इनकरेज करेगा इन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को यूज करने के लिए। अच्छा, इसके अलावा एक और बात रह गई है आपको बतानी, वो भी बता देता हूँ, जिसके बाद इस प्रोजेक्ट के बारे में इतना काफी है। आपको एटलीस्ट एक आइडिया प्रोजेक्ट का जरूर लग गया होगा, जिसके बाद हम लोग इसके कंस्ट्रक्शन अपडेट्स की तरफ चलेंगे। तो बताना ये रह गया है कि इस कॉरिडोर के सारे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स मिलने वाले हैं। यानी जब ट्रेन स्टेशन पर आएगी तो ट्रेन के दरवाजे खुलने के बाद ही वो प्लेटफॉर्म वाले डोर्स खुलेंगे। कुछ मेट्रो सिस्टम्स में भी इंडिया के अंदर ये सिस्टम आज आपको देखने को मिलता है। और उम्मीद की जा रही है कि इस प्रोजेक्ट के बनने के बाद थोड़ा बहुत हमें पॉल्यूशन में भी कमी देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये काफी बिजी रहने वाला रीजन है जहाँ ये प्रोजेक्ट बन रहा है। तो चांसेस है कि लोग इस स्पीड रेल को ही यूज करने लगेंगे इसके बनने के बाद, जो कि अल्टीमेटली पॉल्यूशन को रीजन में एटलीस्ट थोड़ा तो कम करेगा। चलिए, अभी प्रोजेक्ट की बात हो गई है, बात करते हैं अपडेट्स की। तो 2020 में RRTS में जो ट्रेन यूज होंगी उनके लिए बिडिंग हुई थी, जिसमें एल्स्टॉम ने सबसे कम बिडिंग की। और एल्स्टॉम अब इन ट्रेन के 210 कोचेस को इस RRTS के कॉरिडोर के लिए सप्लाई और मेंटेन करेगा। ये सारे के सारे कोचेस इंडिया में ही मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत बनाए जाएंगे एल्स्टॉम के गुजरात वाले प्लांट में। यानी आप सिंपल भाषा में कह लो कि इस कॉरिडोर में जितना भी रोलिंग स्टॉक यूज हो रहा है वो 100% मेड इन इंडिया है। जून 2019 में इस प्रोजेक्ट का प्रॉपर पिलर वर्क शुरू हो गया था। फरवरी 2021 में यानी कि पिछले साल आनंद विहार स्टेशन जो बनाया जाएगा इस कॉरिडोर में, उसका कंस्ट्रक्शन भी शुरू कर दिया गया है। उसके 2-3 महीने बाद यानी अप्रैल में ही गाजियाबाद वाले सेक्शन में ट्रैक्स बिछाना भी शुरू कर दिया गया था। पिछले साल जून में इसका जो अंडरग्राउंड वाला पहला सेक्शन है उसमें भी काम शुरू हो गया है। उसके पहले ही इस वक्त एल्स्टॉम भी अपने रैक्स का काम कंप्लीट कर रही है। सितंबर में कॉरिडोर में ओवरहेड इक्विपमेंट लाइंस को इंस्टॉल करना शुरू करवा दिया गया था। ओवरहेड इक्विपमेंट लाइंस उनको बोलते हैं जो कि ट्रैक्स के ऊपर लगी होती है और ट्रेन का पेंटोग्राफ उन्हें छूता हुआ चलता है, वहीं से एक्चुअली में ट्रेन पावर लेती है। और पिछले महीने दिसंबर में प्रोजेक्ट ने काफी अच्छी रफ्तार पकड़ी है। लगभग 50 स्पैन्स NCRTC ने पिछले महीने कंस्ट्रक्ट किए हैं अपने प्रायोरिटी कॉरिडोर में। एक स्पैन की लंबाई एवरेज 34 यानी कि 34 मीटर के आसपास है, और NCRTC ने 50 स्पैन पिछले महीने बनाए हैं, यानी कि 50x34 मतलब 1.5 किलोमीटर से भी ज्यादा का कॉरिडोर पिछले महीने NCRTC ने कंप्लीट किया है। और ये प्रायोरिटी कॉरिडोर का ही पार्ट है, और इसीलिए अंदेशा लगाया जा रहा है कि अगर प्रोजेक्ट ऐसी ही रफ्तार से चला तो चांसेस हैं कि इसी साल के एंड होते होते शायद ये प्रायोरिटी कॉरिडोर ऑपरेशनल हो जाएगा। पिछले महीने ही लगभग 227 करोड़ रुपए का AFC सिस्टम यानी ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम का भी कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर दिया गया है। ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम तो आपको पता होगा, यानी वो मशीन वाला सिस्टम जिसमें हम लोग पैसा देते हैं और टोकन लेके और इस सिस्टम को क्रॉस करके फिर प्लेटफॉर्म तक पहुंचते हैं। मेट्रो में जरूर आपने इस तरह का सिस्टम देखा होगा। यानी प्रोजेक्ट में काम काफी तेज रफ्तार से हो रहा है, और चांसेस हैं कि ये 17 किलोमीटर वाला सेक्शन आपको इसी साल दिख जाएगा ऑपरेशनल होता हुआ। और अगर बाय चांस इस साल नहीं भी हुआ तो अगले साल तो पक्का इसने ऑपरेशनल हो ही जाना है। बाकी आपको इस वीडियो में मैंने प्रोजेक्ट के बारे में भी बता दिया है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को आज तक कभी भी चैनल की किसी भी वीडियो में हमने इंक्लूड नहीं किया था, तो डायरेक्टली बिना प्रोजेक्ट के बारे में बात किए कंस्ट्रक्शन अपडेट्स नहीं दे सकता था। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा जाने से पहले। तो बस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलूंगा आपसे एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा जी जनाब। अच्छा, यानी कि इस साल के एंड में आवाम को सहूलत मिलना शुरू हो जाएगी, लेकिन 17 किलोमीटर सिर्फ फिलहाल प्रायोरिटी वाला जो सेक्शन है, और टोटल ये कम से कम 82 किलोमीटर तक है टोटल। अच्छा,
मुझे एक बात थोड़ी सी समझ में नहीं आ रही थी, एक स्पैन में 34 मीटर है और टोटल 1700 मीटर कंप्लीट कर लिया, यानी 50 स्पैन कंप्लीट कर लिया। बिल्कुल ठीक है, काफी, तो काफी हद तक। और ये कह रहे हैं कि अगर काम इस तरीके से जारी और सारी रहता है तो बहुत ज्यादा इम्कान है कि बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल, और जिस तरीके से चल रहा है काम, अच्छा काम जो है ना डिवाइड हो रहा है, मतलब मुख्तलिफ टुकड़ों में हो रहा है, कहीं पर हो रहा है फिर दूर कहीं हो रहा है फिर उसके अलावा कहीं हो रहा है। ओवरऑल अगर हम ओवरव्यू लें तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ा कॉरिडोर है, बहुत बड़ा 82 किलोमीटर बहुत होता है। कोचिस कितनी कोचिस बता रहे थे, 110 ना। हाँ, एयरपोर्ट यानी कि हर 5 मिनट के बाद कोच आपको मिलेगी। और वही टिकट वाला निज़ाम होगा, यानी कि आप चार्जिंग का भी आप बता रहे हैं इलेक्ट्रिक, वो तो अब तो सारी इलेक्ट्रिक ही होगी, सारे इलेक्ट्रिक हमारे यहाँ नहीं है, इलेक्ट्रिक हमारे इतना रुझान नहीं है, ट्रेनें जो हैं हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक नहीं है, लेकिन इंडिया में टोटली इलेक्ट्रिक। लेकिन आप तो गाड़ियों का बता रहे थे कि हमारे यहाँ अभी आ रही है, नहीं इलेक्ट्रिक का गाड़ियाँ तो आ रही हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ट्रेनें जो है ना ट्रेनें वो इलेक्ट्रिक इस तरह से जो ऊपर से केबल के थ्रू मिलती है ना चार्जिंग, वो हमारे यहाँ अभी भी नहीं है, हमारे यहाँ टोटली वही जो उससे तो हम बहुत पीछे हैं। लेकिन आप, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ हम लोग आ रहे हैं, बहुत दूर है अभी, बहुत दूर है। कुछ गाड़ियाँ आ रही भी है तो कुछ उसको ले नहीं रहे, नहीं अभी तक तो हमारे यहाँ तो इतना कोई कॉमन नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं है बल्कि, लेकिन वो है कि हाइबर है, यानी कि कुछ गाड़ियाँ ऐसी होती हैं कि जिनके अंदर चार्जिंग होती है, मतलब जमा होती रहती है फिर उसी से वो गाड़ी चलती है, यानी कि आप स्पीड ज़्यादा दोगे तो वो पेट्रोल पे चल रही होगी, वरना वो खुद ही अपनी इलेक्ट्रिसिटी खुद ही बिल्ड कर रही होती, बिल्ड कर रही होती है तो फिर उस पर चल रही होती है। 50 किलोमीटर से स्लो चलाते हो ना आप तो वो आपके एक तरह से पेट्रोल के बचाते बस। अच्छा, तो फिर उससे एनवायरनमेंट, सबसे ज़्यादा मुझे जो टेंशन रहती है वो रहती है एनवायरनमेंट फ्रेंडली कार्स हो, बिल्कुल, तो पॉल्यूशन अगर ख़त्म होता है थोड़ी बहुत भी, वही आपकी वाली बात है कि सब कुछ अचानक तो नहीं होता, बिल्कुल ऐसा ही टाइम लगता है, तो किसी भी चीज़ के ऊपर अगर हमें काबू पाना होता है तो थोड़ा 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 करके ही वो ख़त्म होता है। बिल्कुल, तो पॉल्यूशन ये कह रहे हैं बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा लेकिन थोड़ा फ़र्क पड़ेगा। देखिए ना, आप अंदाज़ा लगा लें कि जब लोग अपनी ज़ाती गाड़ियाँ यूज़ नहीं करते, देखिए एक कार यूज़ हो रही है, एक कार और यूज़ हो रही है, एक बाइक यूज़ हो रही है, तो आप 2-4-5 सौ गाड़ियाँ कम कर दें तो उससे फ़र्क पड़ना है ना। अच्छा, वो सारे इस पे सफ़र करेंगे अगर। अच्छा, मुल्कों के हिसाब से पॉल्यूशन होता होगा यकीन है, आबादी के हिसाब से, आबादी के हिसाब से, मुल्कों के हिसाब से। अब कोई मुल्क है जो जहाँ पे आबादी कम है पॉल्यूशन कम होगा, पॉल्यूशन ज़ाहिर है, और जहाँ पे मुल्क जैसे हमारा, अब पूरे मुल्क की बात नहीं करूँगा, सिर्फ सिटी की बात करूँ, कराची, मैंने आपको परसों भी शायद दिखाया था कि अगर हम किसी भी व्हीकल के अंदर बैठकर देखते हैं तो हमें सामने वाली बिल्डिंग या सामने वाला कुछ भी कोई पार्क बना हो, कोई रोड बना हो, वो हमें बिल्कुल क्लियर नहीं दिख रहा होता, धूल मट्टी और धुएं की वजह से बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। जबकि हमने बहुत सारे ऐसे व्लॉग देखे इंडिया में, मुझे लगता है पाकिस्तान से अगर कंपेयर करें तो इंडिया में पॉल्यूशन फिर भी कम है, तो इंडिया में मैंने देखा फिर भी थोड़ी सी आपको क्लैरिटी दिखती है। असल में एक मेन चीज़ तो है कि इलेक्ट्रिक पर वो आ चुके हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं, काम करते हैं, कहाँ इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं और ट्रेनें हैं वहाँ। अच्छा, इंडिया में ना लोकल ट्रेन का भी बड़ा सिस्टम है, आपकी लोकल ट्रेन देखिए हर बंदा अगर बाइक चला रहा है, हमारे यहाँ पे तकरीबन मैं कहता हूँ 70-80% लोग अपनी ज़ाती बाइक चलाते हैं, मिडिल क्लास है, फिर चिंची पे बैठते हैं, फिर कोई कारों में बैठते हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी ऑटो कर लेते हैं, ठीक है ना, लेकिन हर बंदा कम से कम बाइक तो चलाता है। अच्छा, उस तरह के प्रोजेक्ट बहुत कम है, कौन किस तरह के मेट्रो या कोई ऐसी गवर्नमेंट की तरफ से बसें चलें जो बंदों को बहुत सारे 200-200, 300-300, 700-700, 80-80 लोगों को एक साथ लेके जा रही है, वापस ला रही है, तो उससे अपना कम हो जाती है पॉल्यूशन। कहना चाह रहे हैं कि बसें जितनी बड़ी हों कि कैपेसिटी अच्छी हो, मतलब एक बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे एक ग्रीन प्रोजेक्ट, ग्रीन बस का प्रोजेक्ट है, इसको पता है आपने क्या कि इसको क्या हुआ था, अभी जैसे शुरू हो गई थी, अभी भी चल रही है, एक बस को पत्थराव मार के तोड़ दिए शीशे उसके लोगों ने, पता चला था ये न्यूज़, ग्रीन बस अभी कराची में चली थी, एक बस को शीशे ही तोड़ दिए लोगों ने, पत्थराव, बस पता नहीं, अभी ये तो उनसे पूछना पड़ेगा, और जब तो 70-80 लोगों इस तरह करें तो आप किसको पकड़ोगे। मुझे थोड़ी देर पहले की बात याद है, एक वीडियो मैंने देखी, उन्होंने छोटी सी लॉकिंग की हुई थी उस बस के अंदर की, तो एक भाई साहब थे, तो आपको पता है उसके अंदर वही हमारी जो कोचेस होती है ना उनका ही हिसाब किताब हो गया, W55 या इस तरीके की जो खान कोचेस ये वो हो गई, तो वही वाला हिसाब किताब है, बिल्कुल लोग भरे हुए थे, भरे हुए, अच्छा, भरे हुए। आपने कहा था ना बड़ा डिसिप्लिन रहने वाला है, बड़े मुनज्जम तरीके से ये चलेगी, सीट बाय सीट लोग होंगे, ऑनलाइन टिकटिंग होगी इसकी, ऐसा कुछ भी नहीं, जो आ रहा है उसको भर रहे थे। और इसके अलावा आपको पता है सीट्स गंदी होना शुरू हो गई, सीट्स के ऊपर लोगों ने पिचकारियाँ मारी, उसने दिखाई वीडियो में दिखाई, जी हाँ,
और लोग खचाखच भरे हुए, पसीने आ रहे हैं उनको। मैंने कहा इन्होंने तो क्रीम बस का लेवल ही खराब कर दिया। अभी हमने देखी नहीं, हमने देखी नहीं, हमने तो सफर करना था, हमने तो व्लॉग बनाना था, और इन्होंने तो अभी से खिड़कियां तोड़ दी, पिचकारियां मार दी। कौन बैठेगा, कौन रहेगा? अब आप खुद बताइए। ये तो मुझे है, मुझे आपकी वाली बात याद है कि हम मेंटेन कब रखते हैं किसी चीज़? मेंटेन नहीं रखेंगे, जितनी भी खूबसूरत चीज चाइना से आई है ये बस है। न्यू, अच्छा आप ये भी नहीं कहोगे कि यूज में थी, न्यू ब्रांडेड चीजें आपको उन्होंने दे दी है तो, लेकिन आपको रखना नहीं आया। और इंडियंस के अंदर ये चीज मैंने देखी, उनकी गवर्नमेंट को बोले, उनके सूबों को बोले, उनके स्टेट्स को बोले, उनके सिटीज को बोले, आप जिसका भी क्रेडिट हो, मैं देती हूँ ये क्रेडिट कि वो अपनी चीजों को मेंटेन करके रखना, मेंटेन करके रखना ही है। एक पार्क हो गया ना, वो तक आपको मेंटेन। अच्छा अच्छा, आवाम समझती है कि गवर्नमेंट की चीज है और उसको शायद अपना गुस्सा निकालते हैं वो लोग। मतलब मिसाल के तौर पे, असल में आवाम को समझते हैं कि ये आपकी अपनी चीज़ें, आपके टैक्स से बनी है, आपने ज़िंदगी भर टैक्स दिया है, आपको थोड़ी सी एक सहूलत मिली है, आपकी अपनी चीज़ें, आप इसको संभालो। आप जितना संभाल के चलोगे उतना बेहतर होगा। चलो ये तो आप पिचकारियाँ कह रही हैं, लोगों ने गंदा कर दिया, पत्थर किसने मारे? पत्थर मार के शीशे तोड़ दिए, हो सकता है बसों वालों ने तोड़ दिए, या उसको नाकाम करने की कोशिश की, या पता नहीं किस बात का गुस्सा था, क्या था कि एक अजीबो गरीब वाक्य। मतलब आप ऐसी आवाम को क्या, मैं तो जाहिल बोलूंगी, मेरे अलावा मेरे पास कोई और वर्ड नहीं है। लेकिन अपनी चीज है, उसको साफ रखना चाहिए। क्यों बर्बाद कर रहे हो? आपको गुस्सा निकालना है, आप जाके अपना सर दीवार में मार लो। लेकिन ये है, ये रवैया तो है कि आवाम जो है गवर्नमेंट से गुस्से में है। मिसाल के तौर पर हो सकता है कि कुछ लोग महंगाई से इतने तंग हों कि यहाँ तो हम महंगाई में मर रहे हैं और ये देखो इस तरह की बसें शुरू की। मतलब कुछ भी देखो, सनकी लोग कुछ कह रही, लेकिन आपकी वाली बात है, टैक्सेस तो हमारे ही है ना, ये नहीं सोचते ना वो जाहिल तो आगे भी वाली बात जो मैं कह रही, जहालत वाली बात है, नॉलेज की कमी आपके पास। तो खैर इस साल के एंड तक ये कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट कम्प्लीट हो जाएगा। आर आर टी एस और अगले साल के स्टार्ट में तो लाजमी दिखेगा, हो सकता है इस साल के एंड में भी हो। तो दिल्ली से मेरठ तक, अच्छा मेरठ एक सिटी है, हमारे मेरठ एक कबाब है, मेरठ कबाब वाले, मेरठ कबाब यानी कि उस सिटी के नाम से भी है ना। हमारे यहाँ बहुत, कराची में इंडिया से के सिटी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरठ कबाब यूनी से जा जाके बहुत सारे खाए। किसके? यूनी से, मतलब जब भी छुट्टी होती थी मेरठ कबाब खाए। मैं आपको बताती हूँ, तो हमारे यहाँ प्लान बना करता था हम सारे ग्रुप का कि बीएस वाले साथ में हो जाते थे, बीबीए वाले साथ में हो जाते थे, जी आज कहाँ चल रहा है, तो मेरठ कबाब पराठा चल रहा है, फेमस कबाब पराठा, मेरठ, मेरठ सिटी है इंडिया का। देखिए अच्छा, पता था आपको? मुझे पता था ना मेरठ का। क्या बात है, आपकी इंडिया से, इंडिया के हवाले से नॉलेज ज़्यादा थी। आपको पता है लोग मुझे इंडिया ही भेज चुके हैं अब तो। बताया था आपको मैंने, हाँ बच्चे जो हैं वो किसी और वीडियो में बताएंगे, ये लंबी चलेगी। चले दोस्तों, किसी और वीडियो में बता देंगे कि कुछ लोग इसे इंडिया भेज चुके हैं। तो दोस्तों दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।